हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। इस चैप्टर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम जो इस तरह से, इन गिवन फिगर एबी पैरेलल टू डीई एंड ईसी परपेंडिकुलर टू डीबी, इफ एंगल बी इज इक्वल टू 55 डिग्री फाइंड एंगल ई। तो क्वेश्चन में कहा है कि जो गिवन फिगर है आपको, इसके अंदर ए बी पैरेलल है डीई के। तो ये जो ए बी है दैट इज पैरेलल टू डीई, और फिर कहा सीई जो है वो परपेंडिकुलर है डीबी पर। तो सीई सीई जो है वो डीबी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहां 90 डिग्री, और कहा एंगल बी जो है वो 55 डिग्री। तो ये एंगल बी जो है ये 55 डिग्री दे रखा है, और कहा है कि बताइए एंगल ई कितना होगा, एंगल ई फाइंड करना है। तो पहले तो लिखा है हमने गिवन, गिवन कितना क्या है हमें कि एबी एबी जो है वो पैरेलल है डीई के। इसके अलावा हमें दे रखा है ईसी जो है वो परपेंडिकुलर है डीबी के, और तीसरी चीज दे रखी है एंगल बी जो है वो 55 डिग्री है। और टू फाइंड में, टू फाइंड हमें जो करना है वो है एंगल E, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन में, सबसे पहले ये और ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो ये बन रहा एक Z, और Z के जो अंदर एंगल बनेंगे वो दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इस तरह से बन रहा है ये और ये, अगर ये और ये पैरेलल है तो जो अंदर के एंगल्स बन रहे हैं एक इस तरफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, दोनों इक्वल होते हैं अगर लाइन पैरेलल है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल है किसके, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, और इसे कौन काट रहा है, ये लाइन काट रही है डी बी, इन दोनों को कट कर रही है, यानी कि ये ट्रांसवर्सल है। तो डी बी इज ट्रांसवर्सल, और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर होगा। सो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो जब कोई लाइन किसी लाइन को से काटती है तो इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल, और तब ये अंदर के दो एंगल्स जो हैं एक इस तरफ और एक उस तरफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, और अगर ये दो लाइन पैरेलल हो तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, और एंगल डी किसके बराबर आ गया, एंगल बी के बराबर आ गया। अब एंगल डी इज इक्वल टू बी, तो हमको दे ही रखा है कि बी कितना है 55 डिग्री, तो ये हो गया 55 डिग्री, और डी बी इसका मतलब 55, इसको हमने मान लिया कि फर्स्ट है, ठीक। अब हमें ये पता चल गया कि ये 55 डिग्री है। अब देखिए एक ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल्स पता है, किसी ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल्स पता है, ये पता है ये पता है, तो ये निकालना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाती है। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। तो यही हम ये प्रॉपर्टी यहां लगाएं, तो पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, सी डी और ई, सी डी ई, इस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल है डी, एंगल डी, एक एंगल है एंगल सी, ऐसे सी, तो एंगल सी या पूरा लिखें डी सी ई, डी सी ई, और तीसरा एंगल है यहां से एंगल ई, तीनों मिलकर के कितना बना लेंगे 180 डिग्री होंगे। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो तीनों एंगल का सम हमने रख दिया 180, वैल्यूज रख दो डी, ये दिया है 50, ये हम फर्स्ट में फाइंड कर चुके हैं, फ्रॉम फर्स्ट ये रखेंगे हम 55 डिग्री, प्लस एंगल डी सी ई, ये तो हमें दे ही रखा था कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर था, तो ये 90 है, तो ये हमें 90 दे रखा है, कारण भी हम यही लिख देते हैं। कारण क्या लिखेंगे, ये क्योंकि ई सी जो है वो परपेंडिकुलर है डी बी के ऊपर, इस रीजन से यहां पर ये क्या है 90 डिग्री है। और तीसरा है एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 55 और 90 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 145 डिग्री, प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री,
और इस 145 को उधर कर दें तो ये जाएगा एंगल E इज इक्वल टू 180 माइनस, ये प्लस का है वहां जाके माइनस हो जाएगा 145। तो जब एंगल E में से इसको माइनस करें 180 में से 45 जाएगा तो ये बनेगा 35 डिग्री। तो जो E है इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, तो एंगल E जो है वो कितना है 35 डिग्री, और यही हमारा क्या है आंसर है।